हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल योर कॉमरेड। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपका पेटीएम यूपीआई में ऑफर्स है, जैसे हमारा यहां पे गेट अप टू 50 कैशबैक है, तो इसका यूज आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पे गेट अप टू 50 कैशबैक फ्रॉम पे फ्रॉम बैंक अकाउंट फर्स्ट टाइम फॉर 50 और मोर बिफोर 31 मई 2020। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे पे नाउ करने पे हम लोगों को कैसे जो है 50 का कैशबैक मिलेगा, यानी कि पेटीएम यूपीआई से। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब बटन को दबा दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यहां पे आना, यानी कि पेटीएम आपको ओपन कर लेना होगा। पेटीएम ओपन करने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो आपको ऑफर मिलेगा, यानी कि यूपीआई मनी ट्रांसफर अगर आप करते हैं तो आपको 50 का कैशबैक मिलता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करते हैं। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को जो यूपीआई मनी ट्रांसफर करना है, यानी कि सेंड मनी अकाउंट एसी यूपीआई आईडी मोबाइल नंबर और क्यूआर कोड। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को इंटर नेम या मोबाइल नंबर से भी हम लोग मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। और नीचे आपका जो है यहाँ पे आपका सारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर होगा तो यहाँ पे आपको इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे आप चेक बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे आपको चेक बैलेंस पे क्लिक करना होगा। इस पे चेक बैलेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो है आप जो इंटर यूपीआई पिन बनाए हैं वो आपको यहाँ पे डालना होगा। यहाँ से आप जो है आप अपना कैश देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को बैक आना है। बैक आने के बाद हम लोगों को यहाँ पे जो है मनी ट्रांसफर करके देखना है कि कैसे हम लोगों को कैशबैक मिलता है। तो चलिए यहाँ पे मैं करने वाला हूँ इंटर बैंक अकाउंट, यानी कि नीचे जो है यहाँ पे हम लोगों को क्लिक करना है इंटर बैंक अकाउंट। तो इससे जो है हम लोग मनी ट्रांसफर करेंगे और हम लोग जो है 50 का कैशबैक मिलता है कि नहीं ये देखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे फटाफट इंटर बैंक अकाउंट नंबर डाल देता हूँ, आईएफएससी कोड डाल देता हूँ, अकाउंट होल्डर्स नेम डालने के बाद यहाँ पे ऑप्शनल है मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, और फिर नीचे प्रोसीड भी कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ सारा फिलअप कर देता हूँ और प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सारा फिलअप करने के बाद, यानी कि अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और अकाउंट होल्डर्स नेम डालने के बाद चलिए मैं यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हम लोगों को नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। तो दोस्तों प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को कन्फर्म यानी कि बैंक अकाउंट नंबर फिर से देना होगा, और ऊपर आपका नाम रहेगा, आपका बैंक का नाम रहेगा, जैसे मेरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए मैं यहाँ पे फटाफट अपना जो है यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डाल देता हूँ और फिर कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद चलिए मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अमाउंट पूछा जाएगा, ऊपर आपका नाम रहेगा, स्टेट बैंक रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे जो है हम लोगों को प्रोसीड पे क्लिक कर देना है अमाउंट देने के बाद। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ। 100 डालने के बाद यहाँ पे हम लोग प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंटर यूपीआई पिन, यानी कि हाँ मैंने जो बना चुका हूँ यूपीआई इंटर पिन, उनको इसको यहाँ पे डालना है, और डालते ही जो है हमारा ये मनी ट्रांसफर हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना यूपीआई पिन डाल देता हूँ। तो दोस्तों इंटर यूपीआई पिन डालने के बाद जो है चलिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक पे क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग मनी ट्रांसफर ऑफ 100 रुपीज़ ओनली, ये जो हमारा प्रोसेसिंग हो रहा है। तो देख सकते हैं मनी ट्रांसफर सक्सेसफुल, यानी कॉन्ग्रेचुलेसन यू ऑन पेटीएम कैशबैक स्क्रेच। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज के इस वीडियो में जो है मनी ट्रांसफर यानी कैशबैक लेना सीखा है। चलिए हम लोग यहाँ पे स्क्रेच नाउ पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों स्क्रेच नाउ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये फिगर आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है देख सकते हैं यू ऑन 50 कैशबैक। तो देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा है, यानी कि ऐसे हम लोगों को यहाँ पे करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने स्क्रेच नाउ पे क्लिक किया यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कांग्रेचुलेशंस यू ऑन 50 रिचार्ज वाउचर गेट अप टू 50 कैशबैक। तो दोस्तों नीचे फिर देख सकते नीचे रिचार्ज और पे बिल नाउ पे क्लिक करने के बाद ये हम जो इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ रिचार्ज वाउचर विल बी क्रेडिटेड विद इन 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटा के अंदर ये हमारा जो है रिचार्ज वाउचर क्रेडिट हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि कैसे जो है यूपीआई मनी ट्रांसफर को यूज करके 50 का कैशबैक ले सकते हैं। तो दोस्तों और बताइए वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।